संगोष्ठी के अंतिम वक्ता, जिन्हें हम एक तरह से इस संगोष्ठी का वैलिडिक्ट्री एड्रेस या समापन वक्तव्य कह सकते हैं, उसके लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर कपिल कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वे आएं और इस संगोष्ठी का समापन भाषण दें। धन्यवाद जोशी जी। साथियों, नेताजी के विषय में बोलना या उनके संदर्भ में एक गोष्ठी आयोजित करना भी कोई आसान कार्य नहीं है, और लगभग ये समझिए कि 70 साल तक इस देश के अंदर नेताजी को ऐसे दरकरार करके एक तरफ रख दिया गया था, और अब मैं इसके लिए अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने भारत के उस सपूत को, जिनको के मैंने कहा था, मैं दो ही लोह पुरुष में मानता था राष्ट्रीय आंदोलन में, एक नेताजी और दूसरे सरदार पटेल, और मैंने एक टिप्पणी की थी कि तीसरे लोह पुरुष ने भारत के इन दोनों लोह पुरुषों को ही याद किया आज़ाद भारत के अंदर पहली बार। और उसके बाद प्रहलाद सिंह पटेल जी ने जिस तरीके से इस 125वीं वर्ष को आगे बढ़ाया है और जिस तरीके से एक नेतृत्व प्रदान किया है सांस्कृतिक मंत्रालय से, उससे एक ऐसी जागृति देश में युवा के अंदर आई है कि आज ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह युवक निरंतर प्रश्न पूछता है, और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है जिसका के जवाब भी आसान नहीं है। अभी 3 दिन पहले ही और इंडिया रेडियो कलकत्ता ने मुझसे, एक बच्ची का फोन आया और मुझको साहब कहा कि वो कोई, वो उनका हॉराइजन्स करके कुछ प्रोग्राम होता है, क्या होता है अंग्रेजी में, उसके लिए मुझे 2 लाइनों के अंदर नेताजी के बारे में ये दे दीजिए कि आज उनकी क्या महत्ता है। अब मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं कहा 2 लाइनों के अंदर बोलना? मैंने कहा अच्छा, आप मुझे 5 मिनट बाद फ़ोन करिएगा, तो रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने कहा बेटा, मैं तुम्हें 2 लाइनों नहीं, 2 शब्दों के अंदर बात कहूँगा, और 1 लाइन में उन 2 शब्दों की फिर व्याख्या कर दूंगा। तो बोली हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं सुन लो, मैं रिकॉर्डिंग शुरू करो, और मैंने बोला जय हिंद, और फिर मैंने बोला, मैं कह ये 2 शब्द ऐसे हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में, जिस समय के देश में टुकड़े टुकड़े गैंग घूम रहा हो युवाओं के बीच में, जिस समय देश की बाह्य शक्तियां जो हैं देश को तोड़ने में लगी हुई हो, ये जय हिंद के 2 शब्द नेताजी का मातृभूमि के लिए प्रेम, उनकी साधना, उनके त्याग, उनके बलिदान और उनके संदेश जो हैं, ये काफी हैं। अगर आज देश का युवा जय हिंद ही कहना सीख ले, जो कि इन माओवादियों के उसके अंदर घूमता है, तो शायद इस देश का भविष्य कुछ और होगा। क्योंकि नेताजी ने अंग्रेजों के साथ टेबल पे बैठ करके ना तो अपने लिए सत्ता मांगी, ना अपना प्रधानमंत्री पद मांगा, और ना ही देश के लिए उन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा। 70-72 साल से इस देश को बेवकूफ बनाया जा गया है कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमको आजादी मिली थी। माफ कीजिए, दुनिया का बड़े से बड़ा इतिहासकार और बड़े से बड़ा कोई नेता जो है आके मुझसे विवाद के इसके ऊपर विवाद विवाद कर ले कि हमको उस दिन आजादी मिली थी या हमको डोमिनियन स्टेटस मिला था, और डोमिनियन स्टेटस वो था जिसकी डिमांड कांग्रेस बहुत पहले से कर रही थी कि बहुत संतुष्ट। क्योंकि जागते जागते 3 उदाहरण मैं आपको अभी दे देता हूं इसके। पहली बात तो मुझे बताइए कि जिस देश के ऊपर एक दूसरे देश ने 175 साल तक शासन ही नहीं किया, उस देश के लोगों को तोप के गोलों से उड़वाया, यातनाएं दी, उनको अंडमान जेल भेजा, उनके कत्ल करवाए, देश को लूटा, उस देश के आखिरी प्रतिनिधि को आप आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाते हैं, क्या इससे बड़ी दुख की बात कोई हो सकती है? कि लॉर्ड माउंटबेटन को आपने रातों रात पंडित माउंटबेटन जी बना दिया। अभी एटली के
जो आखिरी जो मंत्रिमंडल था मई 1947 के, जो उसके दस्तावेज हैं, मिनट्स हैं, वो ब्रिटिश आर्काइव्स में रिलीज हुए हैं। उसमें लिखा है, कांग्रेस के नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस समय डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाता है तो वो खुश हैं, आजादी वो बाद में ले लेंगे, इसलिए हम एक हिंदू डोमिनियन और एक मुस्लिम डोमिनियन बना सकते हैं। ये 22 मई 1947 की मीटिंग, 7 मई 1947 की मीटिंग है, इटली की कैबिनेट मीटिंग, जिसके अंदर ये मिनट्स रिकॉर्डेड हैं। और फिर मुझे एक बात बताइए, अगर हम 15 अगस्त को आजाद हो गए थे तो राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाए जाने के लिए नेहरू जी मार्च 1948 के अंदर क्यों पत्र लिखते हैं किंग जॉर्ज को उसकी अनुमति मांगते हुए? और लंदन का गजट उठा के देख लीजिए, 22 जून 1948 के दिन जो है अंग्रेजी राजा किंग सिक्स जो है जॉर्ज सिक्स, वो भारत का जो उसका एम्पायर है उसके थ्रोन को अबेंडन करता है। कितनों को यह मालूम है कि 15 अगस्त का दिन क्यों चुना गया था इस देश के लिए? मुझे बताइए, 15 अगस्त की क्या आजादी की सुनता, क्यों चुना गया था 15 अगस्त का दिन? 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया था कि माउंटबेटन उस परंपरा को बनाए रखना चाहता था जो उसने 15 अगस्त के दिन जापान का सरेंडर लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर की थी, और इसलिए अपमानित करना चाहता था कि आजाद हिंद सरकार विश्व की अकेली ऐसी सरकार थी जिसको लगभग 13 देशों ने मान्यता दी हुई थी, जिसने कि आत्मसमर्पण नहीं किया सन 45 के युद्ध में हारने के बावजूद भी। आजाद हिंद सेना विश्व की अकेली सेना थी जिस सेना ने आत्मसमर्पण नहीं किया अंग्रेजों के आगे। नेताजी के अंतिम ऑर्डर थे, वी डिसबैंड टू रीग्रुप अगेन, जिनको यहां कभी नहीं बताया गया। मुझे एक इतिहास की किताब उठा के दिखा दीजिए जिसमें लिखा हुआ हो कि नेताजी अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, या जिसमें यह लिखा हो कि आजाद हिंद सरकार जो है वो ऐसी जो इसने सरेंडर नहीं किया था, या आजाद हिंद सेना ने सरेंडर नहीं किया था। और ऐसे बेवकूफ लोग हमारे यहां मौजूद है जो प्रश्न उठा देते हैं कि साहब सरकार तो पहले भी बनी थी। अरे बनी थी, राजा महेंद्र प्रताप ने बनाई थी, लेकिन ये पहली सरकार थी जिस सरकार के पास सारे विभाग थे, जिस सरकार के पास सेना थी, जिस सरकार के पास अपना बैंक था, अपनी करेंसी थी, अपने स्टैंप्स थे, और जिस सरकार ने भारत की भूमि के ऊपर प्रशासन भी किया। अंग्रेजों को तोजो का कुत्ता बताने वाले ये लेफ्टिस्ट। कलकत्ता में मैंने दो सवाल किए थे, मुझे एक बात बताइए कि नेताजी ने जर्मनी, जापान और इटली, इन तीन देशों की सहायता ली, इन तीनों देशों में से एक भी देश ऐसा नहीं था जिसने हिंदुस्तान के साथ कभी कोई ज्यादती की हो या कभी भारत का शोषण किया हो। उसके उल्टे जापान ने तो राज बिहारी बोस और उस समय से कितनी मदद की है सारे क्रांतिकारियों की, भारत की तमाम गदर पार्टी के क्रांतिकारियों की, जर्मनी ने भी। तो मैं कहा नेताजी ने तो इन तीन की सहायता ली, और तुमने क्या किया? तुम लेफ्टिनेंटों ने उस इंग्लैंड का साथ दिया जो 175 साल से इस देश को रोद रहा था और इस देश को कत्ल कर रहा था। तो तुम्हारा किस मुंह से तुम कहते हो कि नेताजी तोजो को कुत्ता था? कुत्ते तो तुम बने थे इंग्लैंड के जाकर के, जिनके तुमने दुम हिलाई थी उनके आगे जाकर के। फिर एक और सवाल का मुझे जवाब दे, जिस समय हिटलर के साथ सोवियत यूनियन ने पैक्ट किया था नॉन एग्रेशन पैक्ट 1939 में, तब क्या हिटलर फासिस्ट नहीं था? तब क्या हिटलर डिक्टेटर नहीं था? तब इन कम्युनिस्टों का बाप था हिटलर। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो उस समय वो पीपुल्स वॉर नहीं था इनके लिए, वो इंपीरियलिस्ट वॉर था। हां, जब रूस पे हमला हो गया तो पीपुल्स वॉर हो गया। इन लोगों का कोई भी, और बहुत से फैक्टर और हैं,
लेकिन हमारे राष्ट्र की जो धरोहर है, हमारे राष्ट्र के जो प्रतीक हैं, उनमें से एक को नष्ट करने के लिए ये शक्तियां लगी हुई हैं। वीर सावरकर जी रोज तमाम बकवास, जिसको के इतिहास भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, वो प्रवक्ता बैठ करके रोज बकवास करते हैं टीवी चैनल के ऊपर बैठ करके। अंग्रेजों का साथ दे दिया, अंग्रेजों का साथ दे दिया, रिक्रूट करा दिए। अरे तुमको क्रांतिकारी आंदोलन की एबीसी भी मालूम है किसी को? और जब हमने एक साबित किया कि देखिए नेताजी की और सावरकर जी की मुलाकात हुई थी रत्नागिरी में 1940 के अंदर, और किसी को नहीं मालूम कि उस मुलाकात के अंदर, मीटिंग के अंदर क्या हुआ था, और नेताजी इस दौरान में बहुत नेताओं से मिले, मास्टर तारा सिंह से मिले, दादा बैठे हैं उनके घर पे, जब प्रेसिडेंसी जेल से घर आ गए हैं तो घर पे कितने लोग उनसे बात करने आए, चाहे वो फॉरवर्ड ब्लॉक के थे, चाहे वो और क्रांतिकारी थे। तो उसके बाद में नेताजी जब काबुल से जाते हैं तो चिट्ठी काबुल थीसिस कह के फेमस हुई, एक पत्र उन्होंने छोड़ा कुत्रोनी के पास, इटलियन जो वहां पे एम्बेसिडर था उसके पास, भारत भेजने के लिए, क्योंकि उस समय योजना जो थी वो पश्चिम से अंग्रेजों पे हमला करके अफगानिस्तान और इधर से आते हुए भारत को जीतने की प्लान थी पूरी। और उसमें उन्होंने उस चिट्ठी के अंदर तमाम चीजें कही कि ऐसे स्थानों को यहाँ पे ढूंढो जहां पे हवाई अड्डा बनाया जा सके, जहां पे रेडियो स्टेशन लगाया जा सके। और उस चिट्ठी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सेना के अंदर हमें अपने विश्वास पात्र युवकों को भेजना चाहिए जिससे मौका आने पे वो हमारा साथ दे सके। और आजाद हिंद फौज क्या थी? या तो जो अंग्रेजी सेना में भारतीय थे वो थी, और या प्रवासी भारतीय थे। उधर सावरकर जी ने भर्ती कराई अंग्रेजी सेना के अंदर, तो इन्होंने तो ये लगा दिया कि सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की और अंग्रेजों के पिट्ठू थे, जैसे नेताजी पे कर दिया कि ये जर्मनी के पिट्ठू थे। तीन पत्र मेरे हाथ लगे सैनिकों के, जो ये लिख रहे हैं कि हम बैरिस्टर सावरकर के कहने के ऊपर अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए थे और उनके आदेशानुसार जैसे ही हमको मौका मिला हम आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। कलकत्ता के अंदर हिंदू महासभा का सेक्रेटरी बयान देता है जब ये मुकदमे शुरू होते हैं नवंबर 45 में, कि आजाद इन सैनिकों को छू ही मत देना, इनमें से बहुत सारे जो हैं वो बैरिस्टर सावरकर के कहने पे आजाद इन सेना में भर्ती हुए थे। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी स्टेटमेंट देता है कि हम तो आजाद इन सेना की बात ही नहीं कर सकते, अगर ये सेना यहां पे चली आती तो हमारी पाकिस्तान की डिमांड का क्या होता। अब पूरी चीज अब सामने एक एक चीज खुल के आ रही है। मैं इस प्रोजेक्ट पे अब काम कर रहा हूं कि 45 और 47 के दौरान क्या प्रभाव पड़ा आईएनए का और नेताजी का भारत की आजादी के ऊपर। और जहां मैंने शुरू किया था कि नेताजी ने कमरों में बैठकर के आजादी नहीं ली इस देश के लिए, बकायदा सेकंड प्लान ऑफ एक्शन नेताजी का मौजूद है। नेताजी के चरित्र को, व्यक्तित्व को ये समझिए, क्यों अंग्रेज डरता था नेताजी से, कि सिर्फ एक नेता ऐसा है जिसके कत्ल के आदेश चर्चिल चक ने दिए हैं। डॉक्यूमेंट बाहर आपके सामने लगा के रखा है, मुझे कोई और कांग्रेसी दिखा दीजिए या कोई नेता राष्ट्रीय आंदोलन का दिखा दीजिए जिसके कत्ल के आदेश जो है MI5 को दिए गए हों। सिर्फ तीन नेता है कांग्रेस के जिनको देश से बाहर जेलों में भेजा गया, तिलक, लाला लाजपत राय और तीसरे सुभाष चंद्र बोस, और तीनों को ही मांडले भेजा गया। उसके अंदर क्या वजह है कि नेताजी को अंग्रेज देश से बाहर रखना चाहते हैं, और देश में अगर रखें तो जेल में रहेंगे, ऐसी क्या बात है? सोचिए इस बात को, कोई इतिहासकार नहीं सोचता इस बात को, क्योंकि वो तो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन लिखा जाएगा या नेहरूवियन हिस्टोरियन लिखा जाएगा। पहला एक्शन नेताजी का जो है
जिसको कि उनका रेजिग्नेशन लेटर बताया जाता है, मैं उसको रेजिग्नेशन लेटर कभी नहीं बोलता आईसीएस से, कि एक 24 साल का युवा उस नौकरी पे ठोकर मार रहा है जिस नौकरी के लिए हर भारतीय आतुर है और जिस नौकरी में हिस्सा लेना कांग्रेस की डिमांड थी सन 1885 से। जब कांग्रेस बनी थी तो कांग्रेस की क्या डिमांड थी? हमको रिप्रेजेंटेशन दे दो, भारतीयों को नौकरी दे दो, हमको यहां बिठा दो, हमको वहां बिठा दो। वो व्यक्ति अपने पत्र में लिखता है, काइंडली स्ट्राइक आउट माई नेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ आईसीएस। उस समय में यह भाषा इस्तेमाल करता है, स्ट्राइक आउट, जिस समय के हिंदुस्तानी अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखते थे, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर। तब से, और अंग्रेज देखिए बहुत कनिंग थे, बहुत दिमाग था उनका, तब से अंग्रेजों को स्पष्ट था कि एक ऐसी व्यक्ति है जिस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति इतनी बड़ी सर्विस को यह कह के छोड़ सकता है कि मुझे अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है और ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं, तो व्यक्ति हमारे लिए कितना खतरनाक होगा। और दूसरी बात मत भूलिए कि 15 वर्ष की उम्र से नेताजी के क्रांतिकारियों के साथ संबंध है। जब वो कटक में पढ़ रहे थे तभी कलकत्ता के क्रांतिकारियों के साथ संबंध थे, और उन्होंने लिखा है कि मेरे संबंध एक लंबे समय तक बने रहे। जब उनको गिरफ्तार करके मांडले भेजा जाता है तब भी ये कहा जाता है कि इनके क्रांतिकारियों से संबंध है। और मांडले की जेल में जब अंग्रेजी विजिटर वहां पे आता है, अंग्रेजी जेल्स का कमिश्नर, तो ये लिखता है कि ये भारत के 8 सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्तियों में से है अंग्रेजों के लिए, उस 24 साल के युवा के लिए। और एक बात मत भूलिए, किसी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा, हल्का सा पासिंग रेफरेंस देके छोड़ देते हैं कि नेताजी ने एक अमेंडमेंट मूव किया गांधी जी के प्रस्ताव पे, उसके ऊपर वो अमेंडमेंट हार गया, गांधी जी की जीत हुई। उस अमेंडमेंट की कोई महत्ता नहीं बताता कि सुभाष चंद्र बोस पहला वो युवा नेता था जिसने 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर पहली बार देश की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था। उससे पहले मुझे बताइए कि पूर्ण स्वतंत्रता की बात भी किसी ने कांग्रेस के अंदर की हो। 1927 में मद्रास में पास हुआ था, अनुरोध कराए थे जी। 1927 में मद्रास में पास हो गया था टोटल इंडिपेंडेंस। नहीं सर, 1929 में लाहौर में हुआ है टोटल इंडिपेंडेंस। 27 में सुभाष चंद्र बोस पास कराए थे। नहीं सर, 27 में नहीं कराए। नहीं नहीं नहीं, 27 में सर पास नहीं कराए, पहली बार ही 28 के अंदर जो कलकत्ता अधिवेशन है उसमें गांधी जी के उसके डोमिनियन स्टेटस के प्रस्ताव के ऊपर ये प्रपोजल करते हैं उसका, जो जहां तक रिकॉर्ड मैंने देखा है साहब आज तक। तो फिर दोबारा 28 में लाने की जरूरत क्या थी सर? नहीं 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 सर, आप जो 27 की बात कर रहे हैं ना, वो नेहरू रिपोर्ट के ऊपर जो डिस्कशंस हैं मेरे, मैं दोबारा देख लूंगा इस चीज को, क्योंकि हो सकता है गलती हो हमसे, हम लोग डॉक्यूमेंट जो देखते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी नेताजी पहले व्यक्ति हैं, नेताजी पहले व्यक्ति है जो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं कांग्रेस के अंदर। नेहरू जी की तो खैर बात छोड़िए, वो पीछे हट जाते थे हमेशा। एक बहुत बढ़िया बात कही है गांधी ने नेहरू के बारे में, जब बिरला बड़े चिंतित हैं 30 के दशक में सहजन सरस्वती जी वाला विरोध चल रहा है, तो गांधी चिट्ठी में वापस लिख रहे हैं बिरला को कि नेहरू इज अ स्पोर्ट, ही फ्यूम्स एंड फ्रेट्स बट अल्टीमेटली ही एग्रीज टू व्हाट आई हैव टू से। वो फेमस स्टेटमेंट है उस समय का उनके बारे में, नेहरू के बारे के अंदर। और छोड़िए नेहरू का, तो मैं अब कनेक्शन अगर बताने शुरू करूं आपको तो लोगों के होश उड़ जाएंगे कि किस तरीके से वाइसरॉय के कहने के ऊपर किसान आंदोलन को नेहरू ने लगातार दबाया है। सहजानंद सरस्वती पर बैन जो है नेहरू की ही अध्यक्षता में लगा था, नेहरू के ही कहने के ऊपर लगा था कांग्रेस के अंदर पूरा लेकर के। उसके बाद नेताजी दो कदम आगे जाते हैं, जब लाहौर के अंदर अधिवेशन होता है और वहां कांग्रेस ये पूर्ण स्वतंत्रता का दोबारा वो करती है, तो नेताजी ये कहते हैं कि इससे ही बात नहीं बनेगी, आप वो रास्ता तय कीजिए, वो प्रोग्राम तय कीजिए जिससे पूर्ण स्वतंत्रता ली जाएगी। और गांधी का लगातार विचार क्या है,
अभी हमारा देश आजादी के लिए तैयार नहीं है, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है कि फकीर सन्यासी आंदोलन से अंग्रेजों के विरुद्ध ये देशवासी लड़ रहा है, अपनी जाने दे रहा है। 1857 को हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, हमारे क्रांतिकारी युवा मर रहे हैं और गांधी कह रहा है देश अभी तैयार नहीं है आजादी लेने के लिए। क्या 47 में देश तैयार था आजादी लेने के लिए? जो अहिंसा हिंसा की हम बात करते हैं, जो हिंसा 46-47 के सामने आई और जो लाखों लोग कत्ल हुए, क्या उस अहिंसा को आप फिर गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन से अलग हटा के देख सकते हैं? वो एक लॉजिकल आउटकम था उसका। क्या इनको मालूम नहीं था कि देश विभाजित होने पे हिंसा होगी? लाहौर में, नोआखली में सब जगह पहले सिंबल आ चुके थे। क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों नहीं इंतजाम किए? उसके बाद एक एक करके अगर आप नेताजी को देखिए, और नेताजी को जब मैं बताऊं 1938 के अंदर भी जब हरिपुरा के अंदर बनाया जाता है प्रेसिडेंट, उससे पहला एक बड़ा इंटरेस्टिंग पत्र है गांधी जी का पटेल के नाम। उसमें गांधी जी लिख रहे हैं कि आई नो वी कांट ट्रस्ट सुभाष बट वी हैव नो अल्टरनेटिव। उठा के देख लीजिए, पत्र मौजूद है, मैं नहीं बना सकता। और इसीलिए त्रिपुरी के अंदर जब वो खड़े होते हैं और जो दबाव पड़ता है, अभी वो बातें कही जा रही हैं, इतिहासकार होने के नाते मैं उतने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं ये साबित करके रहूंगा कि त्रिपुरी के चुनाव में खड़ा होने के लिए नेताजी का जो विरोध किया गया था गांधी जी की तरफ से, उसके पीछे वाइसरॉय का हाथ था और अंग्रेजों का हाथ था पूरा का पूरा। यह मैं दावे के साथ आपको साबित करके दूंगा इस बात को। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ वाइसरॉय और बिरला की कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी है और मुझे कुछ नहीं देखना। और जो मेरा हंच है वो क्यों है मैं आपको बता दूं। दो बार 1931 में और 1937 में दो ऐसी चीजें हुई हैं जो मेरे संशय को पूरा करती हैं। 1930 का जब आंदोलन चला तो रायबरेली के अंदर जो किसान थे उनको बेदखल कर दिया ताल्लुकदारों ने, और जब वो आंदोलन खत्म हो गया तो उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए मुंशी कालका प्रसाद कांग्रेस के सेक्रेटरी थे वहां पे रायबरेली के, उतरने पे बैठ गए किसानों को लेकर के। तो ताल्लुकदार ने गवर्नर को लिखा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वाइसरॉय को लिखा, वाइसरॉय ने गांधी को लिखा, सॉरी बिरला को लिखा, बिरला ने गांधी को लिखा और गांधी ने नेहरू जी को भेज दिया। ये सारा रिकॉर्डेड है, मैं आपको सारे पत्र दे दूंगा। और नेहरू वहां जाके क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं मुंशी कालका प्रसाद को कांग्रेस से सस्पेंड कर देते हैं। और उसके बाद नेहरू के दो पत्र हैं जिसमें वो कहते हैं तालुकदार के नाम के कि ये मिसगाइडेड यूथ का काम था तुम्हारे खिलाफ, अगर तुम्हें दोबारा किसानों से कभी प्रॉब्लम हो तो मुझे सीधा लिखना। 1937 के अंदर महाराजा बनारस चुनाव हार जाते हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है और महाराजा बनारस उन सारे किसानों को बेदखल कर देते हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिए। तो मार्कंडे सिंह जो वहां कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं वो धरने पे बैठ जाते हैं महाराजा बनारस के खिलाफ। आप मुझे सही बता दीजिएगा अगर मतलब, ये मैं कांग्रेस की फाइल से बोल रहा हूं। तो वही प्रक्रिया होती है फिर, गवर्नर, वाइसरॉय, बिरला, गांधी चिट्ठी जाकर के, और मार्कंडे सिंह को कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया जाता है और चार्ज लगाया जाता है 2 रुपए की हेराफेरी का, कि इस व्यक्ति ने गांव वालों से लॉरी में आने का 2 रुपए का किराया ले लिया था जो कांग्रेस के दफ्तर में आके जमा नहीं कराया। और उसी AICC की फाइल में आगे लिखा हुआ है कि हम कांग्रेस से मार्कंडे सिंह को निकाल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि इसी के प्रयासों की वजह से कांग्रेस बनारस में चुनाव जीत पाई थी। तीसरा उदाहरण आपको दे देता हूं इस साठगांठ का। कांग्रेस मंत्रालय के अंदर जब काकोरी के जितने हमारे क्रांतिकारी थे उनको जेलों से रिहा किया गया तो उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत शुरू हुआ जगह जगह के ऊपर, और उसके ऊपर वाइसरॉय ने गवर्नर को लिखा कि गिव देम अ माइंड ऑफ व्हाट वी यूज्ड टू डू इन ओल्ड डेज, और नेहरू जी के कॉन्फिडेंशियल लेटर्स
पीसीसी के प्रेसिडेंट के नाम लिखे हुए कि ये इनका स्वागत तत्काल बंद किया जाए और कोई प्रोसेशन ना निकाली जाए, और डर यह दिखाया गया कि अगर आपने इनका स्वागत कर लिया तो यह क्रांतिकारी विचारधारा को फिर जो है वो बढ़ावा मिलेगा देश के अंदर और कांग्रेस का इसका नुकसान होगा। इसलिए कांग्रेस के हथकंडों से राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अगर कोई भी चीज सामने निकल के आ जाए तो मुझे उसके ऊपर कोई हैरानी नहीं होती डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। और नेताजी वो व्यक्ति है जिसके लिए 1929 में लाहौर से एक सीआईडी का इंस्पेक्टर लिख रहा है, ही इज द मैन टू बी वॉच्ड, ही कैन गो फॉर आर्म्ड असिस्टेंस फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री टू लिबरेट इंडिया। 1929 में मैं तारीफ करूंगा उस इंस्पेक्टर की जिसकी इतनी परसेप्टिव एनालिसिस था सीआईडी वाले का, कि जिसने नेताजी के मस्तिष्क को पहचान करके इस तरीके की चीज थी। ये मत भूलिए कि जैसे आज बहुत अच्छी बात दादा ने कही कि वो एस्केप नहीं था, एक स्ट्रगल के लिए नेताजी निकले हैं। पहली बार कोई व्यक्ति इस तरीके से निकला स्ट्रगल के लिए, पहला व्यक्ति है जो सिविलियन लीडर होते हुए, बीमार होते हुए कलकत्ता से काबुल पहुंचना और फिर काबुल से बर्लिन पहुंचना, वो भी मॉस्को के रास्ते होते हुए। जरा कोई जर्नी करके तो दिखा दे कोई नेता मुझे, या जे नेताओं के प्रवक्ता जो आकर के उन्हें टीवी चैनल्स के ऊपर गाली निकालने की कोशिश करते हैं, अपमानित करने की कोशिश करते हैं, और फिर बर्लिन से सबमरीन से आना, 3 महीने की जर्नी, और ये एक प्रेरणा थी, एक प्रेरणा की स्रोत थी। हमें 2 लोगों का नाम मिलता है, प्रेमानंद जी बैठे हैं, सुंदरम और दूसरा रावल। ये दोनों जर्नलिस्ट आजाद हिंद अखबार निकालते थे बैंकॉक से, और सन 45 में 3,000 मील पैदल चल करके दोनों व्यक्ति एक और व्यक्ति के साथ बैंकॉक से इम्फाल तक पैदल चल के आते हैं। सितंबर में शुरू करते हैं चलना और 7 जनवरी को इनकी गिरफ्तारी होती है फिर इम्फाल के अंदर। मुझे एक जर्नलिस्ट दुनिया के अंदर दिखा दे जिसने इस तरीके की यात्रा की हो या इस तरीके के कष्ट लिए हो। ये एक प्रभाव था नेताजी का। नेताजी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश दुनिया को मॉडर्न विमेन आर्मी दी, रानी झांसी रेजिमेंट, और एक ऐसी रेजिमेंट जिसमें बड़े घर की भी लड़कियां थी, जिसमें मिडिल क्लास की भी थी, और 50% रानियां जो हैं वो तमिल कुली औरतें थी जो मलाया के अंदर कुली का काम करती थी। वो गवाले वहां के जिन्होंने भारत को कभी देखा तक नहीं था, अपनी गाय लेकर के आ जाता है नेताजी के पास कि मेरे पास और कुछ नहीं है आजाद हिंद फौज को देने के लिए, मैं ये गाय देता हूं और मैं साथ चलूंगा फौज के दूध निकालते हुए उनको दूध पिलाने के लिए, और साथ चल देता है। और ऐसे व्यक्ति प्रवासी भारतीय जिन्होंने कभी भारत को देखा तक नहीं था, जिन्होंने भारत में सिर्फ कहानी सुनी थी अपने आजा और आजी से कि भारत क्या है, भारत के सिर्फ अपने देखे थे, उन प्रवासी भारतीयों ने वहां पे अपना तन धन अपना मतलब एक एक जब हम ये देखते हैं जो खजाने लूटे गए हैं आजाद हिंद फौज के, उन खजानों की जब मैं डिस्क्रिप्शन देखता हूं, 7 खजाने मैंने ऐसे निकाले हैं जो लूटे गए, कान के बुंदे, मालाएं, मंगलसूत्र, एक एक लिस्टेड है अलग उसके अंदर, कितना उसका वेट है, कितनी उसकी कीमत है। एक बूढ़ी मां जब नेताजी को सोने में तोला जाता है रंगून के अंदर तो कुछ वजन कम रह जाता है, उसके अपने बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और सोने के फ्रेम में उसके बच्चे की फोटो जड़ी हुई है, उस फोटो को बाहर निकाल लेती है और उस फ्रेम को उसके ऊपर चढ़ा देती है, नेताजी उसके पैर छूते हैं। दुर्भाग्यवश हम इतिहास में उस मां का नाम भी नहीं मालूम। ये है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद ये नहीं है कि उठा करके टीवी पे चैनल पे चिल्लाना शुरू कर दो और दुनिया भर के प्रश्न पूछना शुरू कर दो। राष्ट्रवाद ये है युवा के लिए, युवा के सामने लाने की चीज है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं। भरा पड़ा है पूरा उदाहरण इस तरीके से, मैं पोस्टर में दिया है मैंने कि माउंट पोपो पे एक कांग्रेस का लीडर मुझे बता दीजिए जो बॉर्डर के पास तक गया हो
आज भी बड़ा हल्ला मचाते हैं कि चीन ने गलवान में ये कर दिया और वो कर दिया और वो कर दिया। अरे ये नेताजी थे जिनकी हिम्मत थी कि जो माउंट पोबू तक जाकर के और इम्फाल के बॉर्डर तक जाकर के जो बॉर्डर पोस्ट के ऊपर रहे और जो स्टेटमेंट देते हैं जब शाहनवाज कहता है कि आप वापस चले जाइए यहां से, वो कहते हैं मेरी परवाह मत करो, अभी इंग्लैंड ने वो बम नहीं बनाया है जो मुझे मार सके। ये होता है नेतृत्व, ये होता है नेतृत्व। सन 42 की लोग बात करते हैं, बहुत भारी आंदोलन था, ये था वो था। सन 42 का आंदोलन जो छेड़ा गया, ये सिर्फ एक, क्या शब्द मैं इस्तेमाल करूं, बार्गेन करने के लिए एक मूवमेंट छेड़ा गया था। और कैसे मैं बार्गेन करने के लिए छेड़ा गया था, मैं आपको साबित करके देता हूं। 1920-21 का आंदोलन गांधी जी ने चलाया इस देश में, एक पूरा कार्यक्रम दिया कि ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, चरखा चलाओ, ये करो, ये डिस्ट्रक्टिव है, उस कॉलेज छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, टाइटल छोड़ दो, पूरा प्रोग्राम दिया। 1930 का आंदोलन चलाया, नमक सत्याग्रह का पूरा प्रोग्राम दिया, ये तक था कि जो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे उनके घर वालों की देखभाल कौन करेगा। मुझे एक प्रोग्राम गांधी जी और कांग्रेस का दिया हुआ दिखा दीजिए जो 1942 का आंदोलन चलाने से पहले उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का यह प्रोग्राम होगा। एक डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, एक स्पीच दिखा दीजिए, करो या मरो, ये कह के जनता को छोड़ दिया अंग्रेजों के हाथों में। एक ऐसे समय पे जबकि अंग्रेजी ट्रूप्स की प्रेजेंस सबसे ज्यादा थी भारत के अंदर, और उसके बाद में क्या किसी किताब में या आज तक हमने लिखा हुआ देखा है कि 19 अगस्त और 31 अगस्त के दिन नेताजी ने बर्लिन से पूरा कार्यक्रम दिया भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए, पूरे कार्यक्रम की योजना दी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, जिसके अंदर उन्होंने मतलब यह तक दिया है कि जो अंग्रेजी खानसामा, अंग्रेजों के यहां खानसामा काम करते हैं वो अच्छा खाना ना बनाए, कि पूरा जो वॉर प्रोडक्शन है अंग्रेजों का उस वॉर प्रोडक्शन को तोड़ दिया जाए। और वही जनता ने किया, ये जो वायरलेस काटे गए, जो रेलवे स्टेशन पे अटैक हुआ, ट्रेजरीज पे अटैक हुआ, पटना की असेंबली घेरी गई, वही जनता ने किया। और कांग्रेस ने क्या किया, सबसे पहला काम ये किया जेलों से बाहर आते ही कि 42 मूवमेंट को कंडेम किया कि ये हिंसा और ये सब जो है उसको हम कंडेम करते हैं। अरे अगर आप इतने बड़े अहिंसा के पुजारी हैं तो जब पाकिस्तान ने हमला किया था 47 में, तो गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ जाते भाई कि पाकिस्तान अपनी सेनाएं वापस ले लो, तब तक मैं भूख हड़ताल पे बैठा रहूंगा। और जो कहा था कि पार्टीशन विल बी ओवर माई डेड बॉडी, तो फिर बैठ जाते भूख हड़ताल के ऊपर कि पार्टीशन नहीं होगा। ये कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड्स पूरे के पूरे उस समय से, बहुत कम लोगों को यह हकीकत मालूम है कि 1939 के अंदर, कभी सोचिएगा इस बात को कि बंगाल और पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो तीन चीजें पाकिस्तान में गई, सन 45 तक यहां पे मुस्लिम लीग का कोई भी डोमिनेंस नहीं था। ऐसा क्या हुआ अचानक के मुस्लिम लीग यहां पे डोमिनेंट बन गई 2 सालों के अंदर? नेताजी ने बंगाल में मुस्लिम लीग को रोकने के लिए प्रजा कृषक पार्टी से मिलकर के गवर्नमेंट बनाने का पूरा प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव को गांधी जी ने हां कहा, और नेताजी और शरद बोस दोनों इस काम पे लग गए। और डॉक्यूमेंटेड है, बिरला और आजाद जाते हैं वर्धा में गांधी जी के पास कि ये आपने क्या करवा रहे हैं, और फिर गांधी जी एक चिट्ठी देते हैं जिसे बिरला पर्सनली लेकर के आते हैं, नेताजी को पर्सनली वहां पे देते हैं कि इसे रोकिए ये जो आप कर रहे हैं। और नेताजी वापस चिट्ठी लिखते हैं कि ये बंगाल के लिए आत्महत्या करना होगा क्योंकि मुस्लिम लीग को पावर मिलेगी इससे, और हम उसे तोड़ने के लिए प्रजा कृषक पार्टी से अलायंस कर रहे हैं, और नहीं माना जाता और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, उन्हें कांग्रेस से डिसिप्लिन से हटाया जाता है निकाल करके, जब वो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक आगे बनाते हैं, मजबूर कर रहे हैं आप एक के बाद नेताजी को।
क्योंकि आप कोई अकल की दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। यही उधर पंजाब में किया मास्टर तारा सिंह वगैरह के साथ कि जरा भी अगर आपसे कोई अकल की कोई बात करता है तो आप उसका विरोध करिए। और मैं समझ नहीं आता हर चीज को बचाने के लिए एक वो मंत्र पकड़ दिया अहिंसा का। आपको याद होगा कि जतिन की मृत्यु के बाद में जब 63 दिन की भूख हड़ताल में जतिन ने अपना त्याग दिया था लाहौर की जेल के अंदर, जब उसका सारा अरेंजमेंट नेताजी ने किया था, और जब गांधी जी से पूछा गया कि आप कमेंट करिए इस पे, कुछ कमेंट नहीं कर रहे, बोले जानते हो मैं क्या कमेंट करूंगा, उससे मत कमेंट करवाओ, जबकि पूरा एक अहिंसात्मक तरीका जतिन ने अपनाया था। तो हर चीज में एक अहिंसा का बहाना आज भी निकाल लेना। बोर वॉर के अंदर अंग्रेजों को सपोर्ट करना क्या अहिंसा थी? क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अंग्रेजों को सपोर्ट करना अहिंसा थी? क्या अंग्रेजों के लिए सिपाही रिक्रूट कराना अहिंसा थी? हमारे इस देश की जनता का 1947 के बाद में मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है कि अगर मैं सत्ता में आज हूं तो मैं इस गाने को बंद करवा दूं, बैन लगवा दूं इसके ऊपर कि दे दिया हमें आजादी बिना तीर बिना ढाल, क्योंकि ये गाना जो है ये हमारे उन सारे क्रांतिकारियों को अपमानित करता है जिन्होंने लड़ करके अंग्रेजों से अपनी शहीदी दी है। 1857 के क्रांतिकारियों का अपमान करता है ये गाना। आजादी हमको किसी ने दी नहीं है। अगर कोई ऐसे गिफ्ट में आजादी दे देता तो बहुत पहले मिल जाती आजादी। अंग्रेज और गिफ्ट में आजादी आपको दे देंगे। ऑखिन लेने लिखा, जो इनका सुबेरे जिक्र हो रहा था, पूरी लेटर नहीं कही, मिलिट्री इंटेलिजेंस ईस्टर्न कमांड की मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, जो हमारे किसी इतिहासकार ने आज तक जहमत नहीं की थी आर्काइव्स में उठा करके देख ले, जो आजाद फौज बनने के बाद से इंडियन आर्मी के ऊपर उसका क्या असर है उसकी सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं 15-15 दिन बाद की। और वो खाली आर्मी कॉम्बैट की नहीं है, जो सिविलियन स्टाफ आर्मी में काम करता है, जैसे वो आपका उनको खत्म करता है उसके ऊपर वो है पूरा का पूरा। और उन रिपोर्ट्स में जो लिखा हुआ है कि भारतीय सैनिकों ने जय हिंद कहना शुरू कर दिया, उनके कोर्ट मार्शल हुए। अमृतसर से बड़ा मैसेकर होता है नीलगंज में, 2000 से ऊपर आजाद इन सैनिकों को रातों रात कत्ल कर दिया जाता है, किसी के कानों पे कोई वो नहीं। तो ऑकिन ने ये लिखता है, सर 2 मिनट में आई एम फिनिश, ऑकिन ने ये लिखता है लॉर्ड वेवल को कि 1857 टाइप सिचुएशन हैज एमर्ज्ड, इफ वी हैव टू रिमेन इन इंडिया वी विल हैव टू रीकॉन्क्वर इंडिया एंड फॉर दैट आई विल नीड 1 लाख यूरोपियन सोल्जर्स। अगर हमें भारत में रहना है तो 1857 की तरीके से हमें भारत को दोबारा जीतना होगा। और आगे वो लिखता है कि एवरी इंडियन ऑफिसर वर्थ हिज सॉल्ट इज ए नेशनलिस्ट दो वी मे बी पेइंग हिम सैलरी। और पूरा रिकॉर्ड सामने है जो नेवल म्यूटनी होती है, ये होती है आजाद हिंद फौज के लोग, नेताजी की ये प्लान थी कि अलग अलग जगहों पे जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक के थ्रू वो कांग्रेस को रेडिकलाइज करना चाहते थे, ये उनकी प्लान थी 1945 के बाद की। तो कहीं आजाद हिंद संघ दोबारा बन गया, बनारस के अंदर रानी झांसी रेजिमेंट बन गई, कहीं युवा संघ बन गया, और तमाम आजाद हिंद फौज के जो सिपाही और अफसर हैं वो वर्दी में जाकर के वहां भाषण देते थे। और 150 पेज की फाइल पड़ी है नेशनल आर्काइव्स के अंदर कि इनको हम कैसे रोके अंग्रेजों की तरफ से, वो 1 लाख सिपाही कैसे डिप्यूट किया जाएगा अंग्रेजी हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर पूरी फाइल मौजूद है। और 31 दिसंबर 1945 के दिन लॉर्ड वेवल ने किंग को लिखा था, वी मस्ट कॉम्प्रोमाइज एंड रीच एन एग्रीमेंट अदरवाइज देयर विल बी ए मूवमेंट मच मोर फ्यूरियस देन 1942 विच वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल। इस देश को आजादी तो मिली ही नहीं थी उस दिन, और जो डोमिनियन स्टेटस इन लोगों ने बार्गेन करके लिया था शिमला में बैठ के और वक्ताओं में बैठ करके, इन लीडर्स का स्टेटस जो है
कभी उस व्यक्तित्व की तुलना ही नहीं कर सकता जो व्यक्तित्व नेताजी का रहा, और जो कुर्बानियां उन्होंने उस देश के लिए दी उसकी ये उंगली तक नहीं पहुंच सकते। और इन लोगों ने पूरी कोशिश कर ली ये साबित करने की कि नेताजी की मृत्यु हो गई उस एयर क्रैश के अंदर, क्योंकि नेताजी के नाम तक को नहीं यहां पे वापस लाने देना चाहते थे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये तो स्पष्ट है कि उसमें मृत्यु नहीं हुई, नेताजी की मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेताजी हर हिंदुस्तानी के हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर कपिल कुमार जी। इस सेमिनार का शुभारंभ जितने ओजस्वी शैली में हुआ था, मुझे लगता है उसका समापन भी उतनी ही तेजस्वी शैली में हुआ। अंतिम सत्र के दोनों वक्ताओं ने बहुत ही सारगर्भित विचार रखते हुए इस समूचे आयोजन को शिखर तक पहुंचाया। मैं उनके प्रति हृदय से आभारी हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के आमंत्रण पर सुबह से भी यहां जो श्रोता बड़ी तजीनता के साथ इस संगोष्ठी में भाग लेते रहे, मैं उन सबके प्रति भी आभारी हूं। इस सभागार को प्रदान करने के लिए शहीद स्मारक ट्रस्ट के प्रति भी हम आभारी हैं। जबलपुर के प्रशासन, मीडिया और हमारे जितने कार्यकर्ता जो सामने आए, कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनका योगदान रहा, उन सभी के प्रति हम सब आभारी हैं। इस कार्यक्रम को समाप्त की ओर ले जाने के पूर्व मैं आप सबसे एक बार अनुरोध करूंगा कि हमारी संस्कारधानी में एक आज़ाद हिंद पहुंच के बड़े जाने पहचाने सेनानी हुए थे स्वर्गीय बाबूराव जी परांजपे, जो यहाँ के महापौर भी रहे और चार बार जबलपुर की जनता ने उन्हें लोकसभा के लिए चुना। मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति के पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा कि दो मिनट के लिए मौन रहकर स्वर्गीय बाबूराव दादा बाबूराव परांजपे के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नेताजी के वो एकमात्र प्रतिनिधि यहाँ पर थे, कृपया दो मिनट। ओम शांति।